हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। एंड आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा और उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी आपके नॉलेज के लिए। तो जो आज की जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें क्या है, अभी तक हमने एक पार्ट ख़त्म करा कि हम मनी मार्केट के बारे में अभी तक जान रहे थे। अब हम दूसरी जो मार्केट है कैपिटल मार्केट की, वो है सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो आज का जो टॉपिक है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट का एक ओवरव्यू हम आपको देंगे, ताकि आप लोग जब सिक्योरिटीज़ मार्केट में एंटर करो तो उसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसका जो रेगुलेशन है और उस मार्केट का जो एक ओवरव्यू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास, वो आपको पता लग जाए। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जब आप किसी IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई कंपनी जब पहली बार मार्केट में अपना शेयर्स को लिस्ट कराने आती है, तो उस टाइम पर भी आप इस वीडियो के बेस पे उस IPO को जज कर सकते हैं कि वो IPO अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट का ओवरव्यू। अब अगर हम सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में बात करें तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो फंड्स ट्रेड होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब लॉन्ग टर्म का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर जितने भी फंड्स होंगे वो एक साल या उससे ज़्यादा के लिए ट्रेड होंगे, मतलब उनका जो ट्रेडिंग पीरियड होगा वो एक साल से ज़्यादा का होगा, ठीक है। वहाँ पर जितने भी फंड्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, जनरली दो ही तरीके के होते हैं, इक्विटी या डेब्ट्स। यानी कि इक्विटी फंड्स में या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपना पैसा या फिर आप डेब्ट्स फंड में अपना पैसा डालोगे। अब वहाँ पर ये जो फंड्स लाए जाते हैं मार्केट में, इसको लाने वाले कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे या तो कॉरपोरेट में कंपनीज आ गई, ठीक है, कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर सकती हैं, अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं, अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं। गवर्नमेंट है तो वो अपने बॉन्ड्स को लेके आएगी या फिर ट्रेजरी बिल या कॉरपोरेट बिल्स को लेके आएगी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका एक अलग रेगुलेशन होता है नॉर्मल कंपनीज के मुकाबले, तो वो भी वहाँ पर अपने जो रेस्पेक्टिव लॉ हैं, जैसे IRDA की रेगुलेशंस वहाँ पर अप्लाई होती है, तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। तो ये शेयर मार्केट के थोड़े से कंपोनेंट्स थे। अब उसके बारे में मैं आपको आगे जो बताऊंगा उसमें क्या है कि जो शेयर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट जैसे कि शेयर मार्केट में कौन कौन लोग एक शेयर को लिस्ट कराने के लिए कितने लोगों की मैन पावर लगती है, कितनी इंस्टीट्यूशंस उसको अपनी तरफ से अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं, और SEBI की गाइडलाइंस के हिसाब से एक IPO को लाने के लिए किस किस का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होता है IPO जब भी आता है मार्केट में, तो उसको जो उसके हिसाब से मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन SEBI को या फिर कंपनीज एक्ट में ROC को प्रोवाइड की जाती हैं, वो सब देखरेख का काम जो होता है वो होता है मर्चेंट बैंकर का। अब जो मर्चेंट बैंकर है वो नॉर्मल बैंक्स की तरह ही हो सकता है या उन्हीं की कोई ब्रांच भी हो सकती है, जनरली बैंक्स वाले ही होते हैं। लेकिन इसका जो पूरा काम होता है कि जब भी IPO लिस्ट होने वाला है या फिर IPO की कोई भी डिटेल्स बाहर आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो ये मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी उन रूल्स को फॉलो करे और उसके बारे में जितने भी डिस्क्लोज़र्स होने चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, वो सारे के सारे डिस्क्लोज़र कंपनी करे और वो सारे ट्रू और फेयर हो, यानी कि उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो मिसलीडिंग हो या फिर इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा भी नुकसानदायक हो, ठीक है। जो अगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें सेकंड नंबर पे जो आता है वो है अंडरराइटर। जब भी कोई कंपनी अपना IPO लेके आती है तो मार्केट में एक्चुअल में नहीं पता होता भाई किसी भी कंपनी को कि उसका पूरा का पूरा IPO सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा। मान लीजिए 100 शेयर कंपनी लिस्ट करा रही है, अब 100 शेयर पूरे के पूरे लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे इसकी गारंटी नहीं होती है। तो कंपनीज़ को एक सेफ सिक्योर हैंड दिया जाता है कि आप अंडरराइटर्स के थ्रू अपना IPO लिस्ट कराएं। उसमें क्या होता है, अंडरराइटर्स कुछ पोर्शन उस शेयर्स का खरीद लेते हैं, यानी कि पहले से ही वो एग्री कर लेते हैं कि हम आपके IPO का 30% या 40% हम ले लेंगे। उसके बेस पे उन अंडरराइटर्स को कुछ कमीशन दे दिया जाता है। इस हिसाब से अगर किसी कंपनी का IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो अंडरराइटर्स की मदद से वो एक सक्सेसफुल IPO मार्केट में लेके आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है बैंकर टू द इशू। अब बैंकर टू द इशू का काम होता है कि IPO आपका लिस्ट हो गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें सब्सक्राइब कर लिया आपके शेयर। अब सब्सक्राइब के टाइम पे एप्लीकेशन मनी आती है। अब वो एप्लीकेशन मनी का जो अरेंजमेंट है उसकी पूरी देखरेख जो होती है वो एक अकाउंट्स में की जाती है, उसको हम कहते हैं
फॉर अ टाइम बिंग, मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको हम एस्क्रो अकाउंट नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है वो बैंकर टू द इशू ही देखता है कि पैसा कितना किस बैंक में आएगा, और जब वहाँ से अगर वो रिफंड होगा या फिर आगे फर्दर किसी वर्क के लिए यूज़ होगा तो वहाँ से वो कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा काम बैंकर टू द इशू देखता है। उसके बारे में वो रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल कंपनी के पास और डिपॉजिटरी के पास सेव रहे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिबेंचर ट्रस्टी। ये एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है या फिर मान कहें तो इंटरमीडियरी है, क्योंकि ये जो यूज़ होती है ये इक्विटी शेयर्स में जब हम यूज़ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन जब डिबेंचर्स इशू होते हैं उस टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सिक्योर हैंड देते हैं इन्वेस्टर्स को जो डेप्ट में फंड अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि और जो डेप्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से उनको ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग कम रिटर्न पे भी अपना पैसा कंपनीज़ को दे देते हैं। तो उसके लिए कंपनीज़ को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है कि जो लोग डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराए, उनके बिहाफ पे कंपनी में अगर कुछ गलत चल रहा है, मान लो अब कंपनी तो खुद से आके सामने नहीं बताएगी ना मार्केट में कि भाई हमारी कंपनी में गलत चल रहा है, क्योंकि उसको तो डर है भाई कल को तुम लोग अपना शेयर मार्केट से शेयर बेच के या डिबेंचर बेच के निकल लोगे, उसमें क्या है कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो कंपनी कई बार चीज़ों को छुपा जाती है, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है वो आपको पूरी डिटेल देगा और एक्यूरेट डिटेल देगा। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसका एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया होता है जो सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, उसको हम रजिस्ट्रार टू द शेयर ट्रांसफ़र भी कह देते हैं। अब इसका काम होता है कि मान लो जब आपने एप्लीकेशन भेजी है अब उसके बाद आपको शेयर मिलना चाहिए। अब आजकल क्या है शेयर दो तरीके से मिलते हैं, या तो आप डिपॉजिटरी में डीमेटरलाइज फॉर्म में उसको ले सकते हैं, या फिर आप फिज़िकल फॉर्म में एक पूरा शेयर वारंट आता है उसकी फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप डिपॉजिटरीज के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पे सारा का सारा काम कंप्यूटर्स या फिर एक ऐसे इंटरमीडियरी के थ्रू होता है जिसकी ना तो आपको पता है ना कंपनी को उसके बारे में पता है, लेकिन उनका पूरा का पूरा काम होता है क्योंकि वो पूरे इशू को मैनेज कर रहे हैं। अब उसमें क्या है अगर लाखों में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, अब उसमें से मान लो 100 शेयर हैं और लाख लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिए तो किस किस को मिलना चाहिए, उसका क्या मेथड होगा, ये सब इनका काम है, ठीक है। तो ये लोग उसमें क्या है एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें सारे के सारे एप्लीकेंट्स की डिटेल होती है, उसके बाद उनसे कितना कितना पैसा आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो आपको शेयर नहीं हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड के 15 दिन में आपको रिफंड मिल जाना चाहिए, किस किस को रिफंड टाइम पे मिल चुका है इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल उसमें होती है, क्योंकि अगर आपको टाइम पे रिफंड ना मिले तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको 12% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गए प्राइमरी मार्केट के जितने भी इंटरमीडियरीज या पार्टिसिपेंट्स हम कहते हैं। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स आते हैं जो पहली बार लिस्ट हो रहे हैं मार्केट में, यानी कि इससे पहले उनमें या तो ट्रेडिंग होती थी, और होती भी थी तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती थी, ठीक है। और जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप फिर जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू करेंगे और वो सेकेंडरी मार्केट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, अब उसमें ना तो कंपनी का बीच में कोई रोल है ना जिसने बेचा खरीदा उसका कोई रोल है, आपने डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे जाके अपना ऑर्डर डाला वहाँ से आपको शेयर मिल गए, अब बीच में कौन कौन इन्वॉल्व है आपको नहीं पता है, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट के जो इंटरमीडियरीज या पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो वहाँ पे दो मेजर होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो आता है स्टॉक ब्रोकर होता है आपका, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर क्या है आपके बिहाफ पे, यानी कि जब तक उसको आपको पावर ऑफ अटॉर्नी आप उसको अलॉट नहीं कर देंगे तो वो आपका शेयर आगे नहीं डाल पाएगा सेल या बाय के लिए। तो उसका पहला काम है कि आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेना और आपके बिहाफ पे कोई भी ऑर्डर, चाहे वो सेल का हो चाहे वो परचेज का हो, आपके बिहाफ पे वो स्टॉक मार्केट में आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद उस ऑर्डर के बिहाफ पे डिपॉजिटरीज आपको शेयर अलॉट करती हैं, यानी कि शेयर आपके डीमैट अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट है तो डीमैटलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, अगर अकाउंट नहीं है तो फिर वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या फिर उनको डर लगता है भाई कि इतना बड़ा अमाउंट तो अपने पास है नहीं, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जनरली बड़ी अमाउंट में डील करते हैं, या फिर वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो आप छोटे अमाउंट में कर सकते हैं, या फिर आजकल सब ब्रोकर्स का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। अब सब ब्रोकर्स क्या होते हैं, वो लोग जो मेन ब्रोकर है ना उसी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उसी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं मार्केट में, बस उनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है सेल परचेज के लिए, और आपका जो ऑर्डर है वो आपसे
जो सब ब्रोकर है वो ले लेगा, लेकिन प्लेस वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करेगा जो मेन स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको उसकी सब्सिडरी मान लीजिए आप, कि एक हाई पोस्ट पे बैठा है कोई और उसके नीचे एक लोअर पोस्ट पे है, तो लोअर पोस्ट वाले से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, वो आपसे ऑर्डर लिया, उसने हायर पोस्ट पे प्लेस किया आपका ऑर्डर और वहाँ से वो डायरेक्टली स्टॉक के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास चला गया, ठीक है। तो ये सब इंटरमीडियरीज या पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, सिक्योरिटी मार्केट के। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्केट मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं रेगुलेटर्स, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट के रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट में पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। लोग जनरली मतलब मनी मार्केट के बारे में इतना ना तो जानते हैं, ना इंडिया में इतना एक्सपोजर है, तो लोग जनरली आते हैं कि भाई शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यार शेयर वर्ड सबने सुना है, लेकिन उसकी नॉलेज किस किस को है एक्चुअल में? तो कोई उठाया गिरा या मतलब मान लो कि जिसको नॉलेज नहीं है वो भी आके घुस जाता है, लेकिन उसको नॉलेज लेनी चाहिए, इसलिए ये हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो यही चल रहा है अभी तक, ताकि आप लोग एक बेटर नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। अब उसमें अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रेगुलेटर इंडिया में है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके पास जो भी रजिस्टर होगा वही सिक्योरिटी मार्केट में काम कर पाएगा, ठीक है, इन्वेस्टर्स को छोड़ के, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है, लेकिन बाकी सबको सेबी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, इसमें क्या है, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन की जाती हैं कि भाई किस कंडीशन के बेस पे ये स्टॉक में अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रेड करेंगे, लिस्ट करेंगे और आगे काम उस बेसिस पे ही चलेगा। उसमें क्या है, सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ताकि टाइम टू टाइम कंपनी अपना पूरा का पूरा वर्क डिस्क्लोज़र आपको देती रहे, ठीक है। तीसरा कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज मोस्टली इसमें अपना शेयर लिस्ट कराती हैं, तो कंपनीज एक्ट तो उन पर डेफिनेटली लगेगा। और जो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आती हैं कंपनियां, मान लीजिए जैसे LIC है, वो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आती है, उसका एक अलग से लॉ है, तो वो LIC एक्ट को फॉलो करेंगे। अब जो मान लो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पे कंपनीज एक्ट इतना नहीं लगता है, तो वो लोग अपना इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। और कुछ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ कराया जाए उसके बारे में वो लोग अपने सजेशंस देते हैं, तो वो भी इसमें एक तरीके से रेगुलेटर का काम करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एक डिपॉजिटरी एक्ट होता है। अब डिपॉजिटरी क्या है कि जैसे अभी सब कुछ डीमेटलाइज फॉर्म में मिलता है आपको शेयर, आपको फिजिकली कुछ भी नहीं होता, आपके अकाउंट में आप देखोगे जैसे पैसे पड़े होते हैं वैसे ही शेयर्स भी पड़े होते हैं। अब ये शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसको कैसे डीमेटलाइज फॉर्म में रखना है, ये सब डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर डिपॉजिटरीज का काम है। अब इंडिया में जो है वो दो डिपॉजिटरीज होती हैं, NSDL और CDSL। NSDL जो है वो NSE की सब्सिडरी है, और जो CDSL है वो BSE की सब्सिडरी है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया में दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इस वीडियो का टोटल ओवरव्यू था, इसके बारे में अब एक एक पॉइंट को हम उठा के अपनी अगली वीडियोस में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। धन्यवाद।